दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर सितारों में से एक थे। उनका करियर बेहद ही मुश्किलों से भरा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने करियर में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर एक अलग पहचान बनाई और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी। हालांकि क्या आप जानते हैं कि अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाने वाले दिलीप कुमार आजादी की लड़ाई का हिस्सा भी रह चुके थे? और इतना ही नहीं, इससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि फिल्मों में आने से पहले ही अपनी बेबाक बोली के कारण एक बार दिलीप कुमार को जेल तक जाना पड़ा था। जी हां, फिल्मों में तो दिलीप कुमार अपने बेबाक डायलॉग से सभी का दिल जीत ही लेते थे, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उनकी इसी बेबाक बोली ने उन्हें जेल के दर्शन करवा दिए थे। दरअसल ये बात उस वक्त का है जब दिलीप साहब अभिनेता नहीं बने थे। उस दौर में भारत ब्रिटिश शासन की गुलामी जी रहा था। उस दौर में भारत पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी और दिलीप कुमार उस समय एक ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम किया करते थे। हालांकि उनके तेवर तब भी किसी हीरो से कम नहीं थे। गौरतलब है कि उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई थी, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिली। उन्हीं में से एक दिलीप साहब भी थे। दरअसल एक बार दिलीप कुमार ने अंग्रेजों के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासकों का हिंदुस्तानियों के प्रति रवैया बहुत गलत है और भारत की आजादी की जंग बिल्कुल सही है। बस दिलीप कुमार के ये कहते ही उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इस बात का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में भी किया है। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि उस वक्त आजादी की लड़ाई के लिए जेल जाने वालों को गांधी वाले के नाम से पुकारा जाता था। जेल में दिलीप साहब कैदियों के लिए हिंदुस्तानी होने के नाते भूख हड़ताल में भी शामिल हुए थे और जेल में उन्हें भी गांधी वाले के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद उनकी पहचान के एक मेजर ने उन्हें जेल से बाहर निकाला था। जेल से निकलने के बाद ही दिलीप कुमार की किस्मत ने करवट ली थी और वे हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए।